भारत में कई प्राचीन और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ सका। महाराष्ट्र के अंबिका पहाड़ी पर हरिश्चंद्रगढ़ में है रहस्यमय केदारेश्वर गुफा मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर मुझसे आप पूछोगे कि इस टेम्पल को विजिट करना है कि नहीं, तो मेरा तो मतलब कि है कि इस टेम्पल को एक ना एक दिन विजिट करना है। अगर आप महाराष्ट्र से हो या कहीं से भी हो तो इस टेम्पल को विजिट किया तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ गाइस, जहाँ तक मुझे पता है, इस टेम्पल में बहुत सारी पानी की टंकियाँ हैं जिससे लोग पानी पीते हैं, नेचुरल वाटर। कोई भी पुजारी आता है या कोई भी लोग आते हैं तो उसे बोतल भर के पानी पीते हैं। तो क्या यह बात सच है, कमेंट करके बताइएगा। जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा, यूट्यूब के वीडियोस में देखा है, तो ऐसे ही बताया गया कि पानी का बहुत सारा टंकी है, मतलब पानी साफ रहता है और वहाँ के लोग पीते हैं। महाराष्ट्र में बना भगवान शिव का एक ऐसा अनोखा मंदिर जो बीते तीनों युगों यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का कारण बना और अब यही वर्तमान यानी कलयुग के अंत का भी कारण बनेगा। पर वो कैसे? दरअसल दोस्तों, इस मंदिर के दाहिनी ओर एक गहरी गुफा है जिसमें भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान है, जिस तक पहुंचने के लिए एक मनुष्य को कमर तक गहरे और बर्फ जैसे ठंडे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस शिवलिंग के आसपास चार रहस्यमय स्तंभ स्थापित है जिनके बारे में बताया जाता है कि ये हमारे चारों युगों सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग को दर्शाता है, जिसमें से अब तक तीन स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं और अब ये मंदिर आखिरी स्तंभ पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि जब कोई युग अपने समय के अंत में होता है तो एक स्तंभ टूट जाता है और अब जो कि ये आखिरी स्तंभ कलयुग को दर्शाता है। जब ये स्तंभ भी टूट जाएगा तो कलयुग का अंत भी हो जाएगा। शिवलिंग के पास बने जलकुंड में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है एक डुबकी लगाने से मिट जाते हैं सभी कष्ट। महादेव का ये प्राचीन मंदिर आज के समय में जर्जर अवस्था में है। हाँ गाइस, कमेंट करके बताइए कि इस टेम्पल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं मेरी तरह कि इस टेम्पल को विजिट करना है। आप लोग में से भी लोग देखते होंगे और कमेंट करके बताइए क्या आपको इस टेम्पल को विजिट करना है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं इस टेम्पल को विजिट करना। ये टेम्पल बहुत ही पुराना टेम्पल है और इस टेम्पल का कंडीशन अभी, मतलब जैसा वीडियो में फोटो सब में देख रहे हो, अभी बहुत पुराना है। तो कुछ मूर्ति सब है जो मतलब ख़राब हो रहा है, टूट रहा है। ऐसा बहुत सारे वीडियोस एंड हिस्ट्रीज में आप देखोगे, बुक्स में पढ़ोगे तो बताया गया है और इस टेम्पल के बारे में बहुत कुछ बोला गया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। मैं आपको बता दूं, ये किला फेमस है ट्रैकिंग के लिए। जिनको ट्रैकिंग करना पसंद है, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रैकिंग करना पसंद है और इंडिया से भी और फॉरेन से भी, तो बहुत सारे लोग आते हैं इस प्लेस पे ट्रैकिंग करने के लिए और इस मंदिर को विजिट करने के लिए। इंडिया का वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि महाराष्ट्र में है। इंडिया से लोग तो इस टेम्पल को घूमने आते ही, साथ ही में फॉरेन से भी लोग इस टेम्पल को विजिट करने आते हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।